everyone and welcome to mechanical classes by Swati. दोस्तों आप लोग गाड़ी तो चलाते ही हो, लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, इंजन मिसफायरिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, जो कि एक सीरियस प्रॉब्लम है गाड़ियों में दोस्तों। तो आखिर ये इंजन मिसफायर दोस्तों होता क्या है और कौन कौन से ऐसे पॉसिबल रीजन है जिसके वजह से इंजन मिसफायरिंग होता है, और आपको कैसे पता चले दोस्तों कि आपके गाड़ी में इंजन मिसफायरिंग हो रही है दोस्तों, और आपको अगर पता चले कि इंजन मिसफायरिंग हो रही है आपकी गाड़ी में, तो फिर आपको गाड़ी क्या चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, ये सब दोस्तों आज हम लोग एक एक करके सारे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू इंजन मिसफायरिंग के बारे में। इसलिए वीडियो को आप दोस्तों एंड तक जरूर देखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिए, और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे जाके दोस्तों जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इंजन मिसफायरिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, हमारे जो गाड़ी होते हैं ना, वहां पर दोस्तों फोर स्ट्रोक इंजन लगाया जाता है। तो फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है दोस्तों, चार स्ट्रोक होते हैं, जैसे कि सक्शन हो गया, दूसरा कंप्रेशन हो गया, और तीसरा पावर स्ट्रोक हुआ, और फोर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो सक्शन स्ट्रोक में बेसिकली क्या होता है कि एयर फ्यूल मिक्सचर की एंट्री होती है कंबशन चेंबर के अंदर। फिर सेकंड में जो कंप्रेशन स्ट्रोक है, वही एयर फ्यूल मिक्सचर क्या होता है, कंप्रेस होता है, ओके। और थर्ड में वो स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से एयर फ्यूल मिक्सचर की बर्निंग होती है, राइट। और फोर्थ में जो भी अनबर्न गैसेस है वो रिलीज कर लेता है बाहर एटमोस्फियर को, ओके। ये चारों प्रोसेसेस है, लेकिन इन चारों प्रोसेसेस में अगर चारों जो स्ट्रोक होते हैं सीरियली होता है, सक्शन फिर कंप्रेशन फिर पावर फिर एग्जॉस्ट, लेकिन इन चारों जो स्ट्रोक होते हैं इनमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आ गए या कुछ भी एक स्ट्रोक का डिले हो गया, ओके, जैसे कि मान के चलिए कि यहां पर एयर फ्यूल मिक्सचर की एंट्री होती है ना सक्शन स्ट्रोक में, तो यहां पर अगर उनका एक प्रॉपर रेशियो से एंटर होती है, लेकिन उन रेशियो में अगर वैरी कर गया, जैसे कि ज्यादा एयर जा गया और फिर कम फ्यूल गया, या फिर ज्यादा फ्यूल गया कम एयर गया, तो फिर इंजन मिसफायरिंग का वो एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। सेकेंडली, अगर ठीक से वो एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो कंप्रेस ठीक से नहीं हुआ तो इंजन मिसफायर होता है, और जब स्पार्क प्लग अगर करेक्ट टाइम में स्पार्क प्रोड्यूस नहीं कर पाया या थोड़ा डिले हो गया, तो और स्पार्क प्लग बिल्कुल भी अगर स्पार्क प्रोड्यूस ही नहीं कर पाया तो भी इंजन मिसफायर होता है। तो ये सब पॉसिबल रीजन है इंजन मिसफायर का, ओके। तो अब हम डिस्कशन करते हैं एक एक करके कि इंजन मिसफायर जो होता है वो किन किन पॉसिबल रीजंस के वजह से होता है। पहला जो है वो है दोस्तों बैड स्पार्क प्लग। अगर मान के देखिए, स्पार्क प्लग के वजह से ही जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो इग्नाइट होती है और इंजन पावर प्रोड्यूस करती है, लेकिन अगर यही स्पार्क प्लग में अगर कार्बन की डिपोजिट्स हो जाए या फिर कोई भी कारण से वो खराब हो जाए, तो फिर क्या होगा, ये एक रीजन है जिसके वजह से इंजन मिसफायर होती है। तो अगर आपके गाड़ी में आपको लगा कि इंजन मिसफायर हो रही है तो स्पार्क प्लग को जरूर आप चेक कीजिए, ओके। अगर खराब हो तो उसको रिप्लेस कीजिए। नेक्स्ट है बैड इग्निशन कॉइल। देखिए दोस्तों, इग्निशन कॉइल क्या करता है, उसका काम क्या है कि हायर वोल्टेज, जो भी वोल्टेज है उसको हाई करके वो कहां पर भेजता है, डिस्ट्रीब्यूटर में भेजता है, और डिस्ट्रीब्यूटर स्पार्क प्लग को भेजता है, ओके। स्पार्क प्लग कैसे स्पार्क प्रोड्यूस करता है, उसको हाई वोल्टेज मिलेगा, हायर वोल्टेज मिलेगा, तभी जाके वो स्पार्क प्रोड्यूस कर पाएगा। इसके बारे में, बैटरी इग्निशन के बारे में, इग्निशन सिस्टम के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, इग्निशन कॉइल जो है वो हाई वोल्टेज जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूटर को भेजता है, और डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करता है स्पार्क प्लग को। लेकिन अगर मान के चलिए ये इग्निशन कॉइल की जो वाइंडिंग्स है वो खराब हो गए, ओके, यहां पर कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वो तो हायर वोल्टेज ठीक से भेज ही नहीं सकता डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता अभी स्पार्क प्लग को। तो उसके वजह से ही दोस्तों क्या होता है, कभी कभी इंजन मिसफायरिंग का कारण हो जाता है दोस्तों। तो इग्निशन कॉइल को भी आप चेक कीजिए अगर आपको लगता है कि आपका गाड़ी में इंजन का मिसफायरिंग हो रहा है। नंबर थ्री, बैड फ्यूल पंप और बैड फ्यूल इंजेक्टर। अगर मान के चलिए दोस्तों आपका जो गाड़ी है उसमें फ्यूल पंप का काम क्या है, फ्यूल को पंपिंग करना फ्यूल टैंक से, वो खराब हो जाए, या फिर फ्यूल इंजेक्टर खराब हो जाए,
फ्यूल फिल्टर खराब हो जाए तो क्या होगा? अगर फ्यूल इंजेक्टर खराब हुआ तो वो करेक्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है वो कंबशन चैम्बर के अंदर भेज नहीं पाएगा। अगर वो भेज नहीं सकता तो फिर क्या होगा कि इंजन मिसफायर हो सकता है, क्योंकि करेक्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल तो नहीं जाएगा ना कंबशन चैम्बर में, तो कैसे वो ठीक से जलेगा नहीं। ओके, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर फ्यूल पंप का खराब हुआ तो फिर वो ठीक से करेक्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल को पंपिंग नहीं कर पाएगा और फिर भेज नहीं सकता प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्यूल कंबशन चैम्बर को, तो उससे भी इंजन मिसफायर दोस्तों हो सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों लो कंप्रेशन और डैमेज इनसाइड द इंजन। अगर ठीक से दोस्तों कंप्रेशन नहीं हुआ या फिर दोस्तों इंजन में कुछ तो खराब हुई, इंजन के कोई भी पार्ट खराब हो गई, जैसे कि सपोज मान के चलिए कि टाइमिंग बेल्ट, ये है आपका टाइमिंग बेल्ट, ओके, अगर ये टाइमिंग बेल्ट दोस्तों खराब हो जाएगा, बहुत दिन तक आप वही गाड़ी चला रहे हो और फिर कभी कभी क्या होता है इंजन का कोई कोई पार्ट खराब हो जाता है, जैसे कि टाइमिंग बेल्ट अगर खराब हो गया तो फिर भी दोस्तों इंजन मिसफायर होती है। ओके, अभी हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा पॉसिबल सिम्टम्स है जो जिसके वजह से हमें पता चल सकता है कि इंजन का मिसफायरिंग दोस्तों हो रहा है। जैसे कि दोस्तों रफ एक्सीलरेशन। ओके, आप सपोज गाड़ी चला रहे हैं, अभी सिक्स्थ गियर, फिफ्थ गियर, सिक्स्थ गियर में आप गाड़ी चला रहे हो एकदम से, आप क्या कर रहे हो कि आपको तुरंत ही अचानक से एक जर्क महसूस होता है इंजन से, इंजन के साइड से आपको तुरंत ही एक जर्क महसूस होता है, तो फिर वो पॉसिबल रीजंस एक है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि हाँ शायद अब मेरे गाड़ी में इंजन मिसफायरिंग होती है। वो कब क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि इंजन के ऊपर उस टाइम लोड पड़ता है। ओके, आप गाड़ी चला रहे हो सिक्स्थ गियर में, गाड़ी एकदम से हाई स्पीड में है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ तो मिसफायरिंग हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, इंजन मिसफायरिंग हो रही है, तो क्या होता है कि इंजन के ऊपर लोड पड़ता है, जिसके वजह से क्या होता है कि आपको जर्क, अचानक से एक जर्क महसूस होता है। तो अगर ऐसा महसूस होता है तो आप चेक कीजिए, वो शायद हो सकता है इंजन मिसफायरिंग हो रही है। नेक्स्ट है वाइब्रेशन। अभी देखिए आपको जो थ्री सिलेंडर इंजन है या फिर आपका गाड़ी में अगर फोर सिलेंडर इंजन है, तो वो क्या होता है जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वो प्रॉपरली सेट किया जाता है, लेकिन अचानक से क्या होता है कि कभी कभी सपोज थ्री सिलेंडर इंजन है आपका गाड़ी में, अचानक से एक ही इंजन में क्या होता है अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, सॉरी एक थ्री सिलेंडर इंजन है तो एक ही सिलेंडर में अगर भी मिसफायरिंग हुआ तो फिर आपको क्या होता है कि वाइब्रेशन फील होती है। ओके, अगर वाइब्रेशन फील हुआ तो आप उससे भी पता लगा सकते हैं कि शायद में भी इंजन मिसफायरिंग हो रही है। नेक्स्ट नंबर थ्री है चेक इंजन लाइट। अभी दोस्तों क्या होता है कि हम जो मॉडर्न कार्स होते हैं वहां पर बहुत सारे सेंसर्स लगाया जाता है, तो इन सेंसर का दोस्तों काम क्या है कि सारे इंफॉर्मेशन जो है वो ईसीयू को भेजना, तो ईसीयू को भेजना, जो कि इंजन कंट्रोल यूनिट है उनको भेजना। वो इंजन कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसको उस डाटा को कंपाइल करता है, उसको रीड करता है। अगर मान के चलिए कोई प्रॉब्लम हुआ और ईसीयू को लगा कि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है चेक इंजन लाइट को ग्लो हो जाता है, आपका चेक इंजन लाइट जो है वो ग्लो करता है, राइट। ये बहुत सारे रीजंस के वजह से भी इंजन चेक इंजन लाइट ग्लो करता है, और एक रीजन भी है कि इंजन अगर मिसफायरिंग हुआ तब भी आपका चेक इंजन लाइट दोस्तों ग्लो होता है, राइट। नेक्स्ट है स्लो एक्सीलरेशन। मान के चलिए कि आप सपोज जब आपको स्लो एक्सीलरेशन भी हो सकता है अगर इंजन मिसफायरिंग हो, अगर ऑक्सीजन सेंसर अगर खराब हो जाए। ऑक्सीजन सेंसर का दोस्तों काम क्या है कि वो ऑक्सीजन कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है एग्जॉस्ट गैसेस में उसको सेंस करना और फिर ईसीयू को भेजना। अगर ऑक्सीजन सेंसर खराब हो जाए तो वो क्या करेगा, गलत डाटा भेजेगा ईसीयू को। ओके, तो ईसीयू उसके हिसाब से डिसाइड करता है कि मुझे रिच मिक्सचर भेजना है या लीन मिक्सचर भेजना है सिलेंडर के अंदर। अभी ये ऑक्सीजन सेंसर तो दोस्तों खराब है, तो क्या होगा कि गलत डाटा जाएगा ईसीयू को, तो फिर क्या करेगा, कभी आपका इंजन में जा रहा है कंबशन चैम्बर के अंदर जाएगा, कभी रिच मिक्सचर, कभी लीन मिक्सचर जाएगा, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि इंजन के आरपीएम के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, और इंजन का आरपीएम के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो आपका गाड़ी दोस्तों क्या होगा कि स्लोली एक्सीलरेट करेगा। मतलब आप गाड़ी तो स्पीड आप एक्सीलरेटर दबाओगे लेकिन गाड़ी आपका उतना तेजी से भागेगा नहीं। तो ऐसा अगर पॉसिबल आप ऐसे सब जो आपको फील होता है तो आपका गाड़ी दोस्तों हो सकता है कि इंजन मिसफायरिंग का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है दोस्तों साउंड। अभी देखिए दोस्तों हर कोई गाड़ी का इंजन का एक अलग ही प्रकार का साउंड होता है। जैसे कि अगर आपके गाड़ी में दोस्तों फोर सिलेंडर इनलाइन इंजन है तो उसका एक अलग साउंड होगा,
थ्री सिलेंडर वाला है तो उसका एक अलग साउंड होगा। ओके, तो एक से साउंड में अगर आपको मतलब कुछ तो डिफरेंस फील हुआ तो फिर हो सकता है कि आपके गाड़ी में दोस्तों इंजन मिसफायरिंग हो रही है, प्रॉब्लम है दोस्तों। तो अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि क्या आपको ड्राइविंग करना चाहिए अगर इंजन का मिसफायरिंग हो रही है। तो ये मैं बता दूं दोस्तों कि जब इंजन का मिसफायरिंग होती है तो क्या होता है कि प्रॉपरली जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो बर्न नहीं हो पाती है। ओके, जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो कंबशन चैम्बर में होगी ना वो प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाती है, तो उसके वजह से क्या होगा कि बहुत ज्यादा अनबर्न गैसेस रहेगी। तो ये अनबर्न गैसेस क्या होगी, अभी एग्जॉस्ट बार टेल पाइप के थ्रू जाएगी। अभी जितने भी दोस्तों मॉडर्न कार से वहां पर दोस्तों क्या लगा रहता है, कैटालिटिक कन्वर्टर लगा रहता है। ओके, कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, तो ये दोस्तों कैटालिटिक कन्वर्टर जब ऑपरेट करता है तो ऑलमोस्ट इट इज ऑपरेटेड एट 600 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब जब अनबर्न गैसेस जब इस कैटालिटिक कन्वर्टर के थ्रू जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, ये कैटालिटिक कन्वर्टर तो ऑलरेडी 600 डिग्री सेल्सियस में है, जब ये अनबर्न गैसेस उसके कॉन्टैक्ट में आएंगे तो फिर क्या होगा दोस्तों, एक्सप्लोड करेगा। एक्सप्लोड करेगा तो क्या होगा, ये कैटालिटिक कन्वर्टर पूरा जाएगा खराब। ओके, खराब हो जाएगा आपका। अभी ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है ये सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट है गाड़ी में, ये एकदम बहुत सा कॉस्टली इक्विपमेंट है। अभी कैटालिटिक कन्वर्टर का अगर खराब हुआ तो फिर आपको बहुत हेवी अमाउंट आपके पॉकेट से जाने वाला है। ओके, तो ये मान के चलिए कि जब भी आपको महसूस हो कि इंजन का मिसफायरिंग हो रहा है जब, तो फिर आपको तुरंत ही अपना गाड़ी रोक देना चाहिए, मैकेनिक को दिखाना चाहिए और उस प्रॉब्लम को तुरंत ही दोस्तों ठीक करवाना चाहिए। आपको गाड़ी, कहने का मतलब है आपको गाड़ी दोस्तों चलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चलाओगे कैटालिटिक कन्वर्टर खराब होगा, उसके साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे सेंसर्स जो है वो भी खराब होने के चांसेस है, जैसे कि मेनली ऑक्सीजन सेंसर वो खराब होने की दोस्तों भी चांसेस है। ओके, तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे जाके दोस्तों जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।